तो हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ सुपर सस के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें मैं हमेशा तरह मचाने वाला हूँ तबाही। तो चलिए देखते हैं आज हमें सुपर सस गेम से कौन सा रोल मिलने वाला है और आप सभी को कौन सा रोल का गेम प्ले दिखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बैकस्टेबर, क्योंकि बैकस्टेबर के साथ खेले हुए मुझे काफी टाइम हो गया था, और वैसे भी मैंने जब लास्ट टाइम बैकस्टेबर लिया था ना, तो मैंने इम्पोस्टर के साथ जीता था। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना स्पेस क्रू के साथ जीता जाए। बाकी अब होने क्या वाला है आगे चल के वो तो समय ही बताएगा ना। फिलहाल यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है। मैं सोचता हूँ कि चलो भाई देखा जाए यहाँ पर सिक्योरिटी से कि क्या हाल चाल चल रहे हैं। अरे ये क्या, इम्पोस्टर ने तो गेम के स्टार्टिंग में इस बार रिएक्टर का सब अटैच दे दिया, क्या बात है। वैसे मैं तो रिएक्टर ठीक नहीं करने वाला, ठीक है। हालांकि मैंने बोला कि मैं स्पेस क्रू के साथ जीतने का ट्राई करूंगा, पर क्या है ना यार, मैं सोच रहा हूँ कि अगर इम्पोस्टर के साथ मैं जीत सकता हूँ तो क्यों ना इम्पोस्टर के साथ ही जीत लिया जाए। दो दिल में पलट गया, वाह। तो देखो यार, यहाँ पर हमारा प्लान में थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर लास्ट सेकंड में मैं फटाफट रिएक्टर में जाऊंगा, फटाफट यहाँ पर किल कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ शायद से मेरा किल करने का टाइम हो चुका है, तो मैं फटाफट रिएक्टर में जाता हूँ, देखता हूँ ऊपर पे। अभी ऊपर पे तो कोई बंदा है नहीं। अभी बंदा भाई, बंदा दे दो भाई किल करने के लिए, नीचे भी कोई नहीं है। ओ भाई लास्ट सेकंड भाई बॉडी रिपोर्ट हुई भाई, वरना तो मैं अभी गेम हार जाता। चलो फिर देखो यहाँ पर मीटिंग में क्या होता है। सियान सुन ले, सियान तू और मैं डॉक्टर है, क्योंकि मैंने बॉडी लेके आई, पर भाई मैं कर नहीं पाया क्योंकि 3 सेकंड बचे थे लास्ट के। मैं चाहता तो रेड को दे पाता, पर गेम तुरंत हार जाते, इसलिए मैंने मीटिंग बुलाई। भाई मैंने रेड की डेड बॉडी लाई थी, पर लास्ट के 3 सेकंड बचे थे, इसलिए मेरे को रिपोर्ट कर। मतलब यार ऑरेंज की क्या ही टाइमिंग थी मेरे भाई, अगर ऑरेंज यहाँ पर बॉडी रिपोर्ट नहीं करता तो भाई स्पेस क्रू के साथ मैं भी हार जाता। फिलहाल यहाँ पर ऑरेंज बताता है कि ऑरेंज जो है वो है हमारा डॉक्टर और सियान भी डॉक्टर है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑरेंज ने बॉडी इसलिए रिपोर्ट कर दी क्योंकि सिर्फ 2 सेकंड बचे थे ना मेरे भाई। टाइम मास्टर कौन है भाई, टाइम मास्टर कौन है बता दो मेरे को, टाइम मास्टर कौन है। जो टाइम मास्टर है वो थंब दिखा दो, ऐसा थंब दिखा दो। मैं ना तेरी फोन, मैं सेरेफ हूँ, जो मेरा पीछा करेगा मैं उसको मार दूंगा, जल्दी से टाइम रिवाइंड कर देना। तो देखो यार यहाँ पर येलो बताता है कि येलो है हमारा शेरिफ, और येलो बोलता है कि टाइम मास्टर कौन है बता दो, पर कोई बंदा कुछ बोलता ही नहीं है। तो शायद इस बार टाइम मास्टर या तो फेक रोल आया है या फिर रेड हमारा टाइम मास्टर था। तो देखो यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते हैं। ग्रीन को वोट करो, व्हाइट कह रहा है कि ग्रीन ने उसको मारा है। भाई ग्रीन को मारो, अलग अलग ग्रीन ने मुझे मार दिया था, मैं सैलिट था, मुझे ग्रीन ने आकर पीछे से मुझे मार दिया। ठीक है भाई, ग्रीन ने तुझे मारा था तो क्या व्हाइट तुझे किसी ने रिवाइव करा है क्या? व्हाइट तुम्हें किसी ने रिवाइव करा है क्या? अरे व्हाइट बोलना यार, तेरे को किसी ने रिवाइव करा है क्या? ओके ओके, शायद से अगर तेरे को किसी ने रिवाइव करा है तो बता दे डॉक्टर कौन है, ठीक है। मैं डॉक्टर को प्रोटेक्शन दूंगा, ठीक है। मेरा ऐसा रोल है कि मैं डॉक्टर को प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा सियान ने रिवाइव करा था, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फिर निकालो ग्रीन को, ठीक है। गेम में 2 डॉक्टर है, मैं हूँ और सियान है डॉक्टर। ऑरेंज मेरे साथ रहो, ठीक है। ऑरेंज मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सेफ्टी दूंगा, ठीक है, मेरे साथ रहो। अरे ये क्या, व्हाइट जैक टू का गेस, शायद से पिंक हमारा व्हाइट जैक था, उसने किसी का रोल गलत गेस करा होगा जिसकी वजह से वो मीटिंग में मर गया। तो फिलहाल यहाँ पर सारे बंदे वोट करते हैं ग्रीन को, और ग्रीन हमारा मीटिंग से निकल जाता है। और हाँ, अगर तुम लोगों ने सुना होगा तो जो व्हाइट था वो कह रहा था कि सियान डॉक्टर है, सियान ने व्हाइट को रिवाइव करा है, व्हाइट था हमारा शेरिफ, और जो ग्रीन है उसने व्हाइट को किल करा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर मीटिंग में ग्रीन को निकालते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है। मैंने मीटिंग में बोला हुआ होता कि ऑरेंज तू मेरे साथ रेड, चिंता मत कर, मैं तुझे पूरी प्रोटेक्शन दूंगा, क्योंकि मैंने बोला कि मैं स्पेस क्रू के साथ हूं यार। अभी ये क्या, येलो का बच्चा मेरे पीछे क्यों पड़ा, ये तो शेरिफ है ना, शायद से येलो को मेरे पे डाउट और येलो मुझे किल करना चाहता, लगता है मुझे मीटिंग बुलानी पड़ेगी यार, वरना येलो मुझे किल कर देगा। तो यहाँ पर मैं बुलाता हूँ मीटिंग, और देखो मैं मीटिंग में क्या बोलता हूँ, शायद से मुझे रोल भी अपना रिवील कर देना चाहिए। अबे येलो भाई तू मेरे पीछे काय को पड़ा है यार, येलो मेरे पीछे काय को पड़ा है, तेरे को किल करना है क्या मुझे? मेरे भाई मैं तुम्हारा बैक स्टैबर हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा बैक स्टैबर हूँ, प्लीज भाई मेरा पीछा मत करो, ठीक है, प्लीज मेरे भाई पीछा मत करो, मैं तुम्हारा बैक स्टैबर हूँ, ठीक है, मैं स्पेस क्रू के साथ हूँ, तुम मुझे किल मत करो प्लीज, ठीक है, तुम भी सेफ रहोगे मैं भी सेफ रहूंगा, ठीक है भाई ऐसा मत करो, ठीक है। तो अब देखो बचे हैं आखिरी के 2 लोग, येलो तू ना ब्लू को किल करना और व्हाइट तू पर्पल को किल करना, तुम दोनों में से जो भी मरेगा हम 2 डॉक्टर हैं, हम लोग रिवाइव दे देंगे। सियान तू पर्पल और व्हाइट के साथ रहना, मैं इन दोनों के साथ।
बिग फैन ब्रो, बिग फैन राउंड, बिग फैन ब्रो, बिग फैन, तुम्हारे आवाज से पहचान लिए तुम यूट्यूबर हो राउंड, बिग फैन, थैंक्स, लव यू फॉरएवर। मैं तुम्हारे वीडियो में आ रहा हूँ, प्लीज बता दो, मैं तुम्हारे वीडियो में आ रहा हूँ, बिग फैन प्लीज, मैं तुम्हारा वीडियो में आ रहा हूँ कि नहीं बताओ ना। मतलब यार येल्लो मुझे अभी किल करने के लिए रहा था और अभी ये मीटिंग में बोल रहा है कि ये मेरा बिग फैन है, मतलब यार कुछ भी, पर कोई बात नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल प्लेयर हूँ तो ये सब चलता है मेरे भाई। तो फिलहाल अभी के लिए बैक टू गेम। तो देखो यार यहाँ पर जो डॉक्टर साहब है वो बोलते हैं कि एक शरीफ जो है पर्पल को किल करो और एक शरीफ ब्लू को किल करो। भाई मैं सीर हूँ, ठीक है भाई, मेरे को वीडियो में ले लो, मैं बहुत प्रो बंदा हूँ, मैं इतना प्रो बंदा हूँ, इतना प्रो बंदा हूँ, बहुत प्रो बंदा हूँ। अच्छा ठीक है, इम्पोस्टर को पकड़ लूंगा और मुझे तुम मार के देख लो भाई, मैं इम्पोस्टर नहीं हूँ, ठीक है। ये पर्पल कितना प्रो है वो तो गेम के एंड में पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि जो सियान और ऑरेंज है ये दोनों डॉक्टर है, तो ऑरेंज बोलता है कि एक काम करो ना, येलो और व्हाइट तुम दोनों शरीफ हो, ठीक है, तो येलो तुम ब्लू को किल करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जो सियान है वो व्हाइट के साथ रहो और व्हाइट भी शरीफ है तो व्हाइट पर्पल को किल करो। ये प्लान तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, पर ये सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर मीटिंग में मैं बोल देता हूँ कि येलो तू शरीफ है तो तू मुझे किल मत कर मेरे भाई, क्योंकि मैं बैकस्टैबर हूँ और मैं स्पेस क्रू के साथ हूँ, तू मुझे किल करके तेरे को कुछ वैसे भी मिलने वाला है भी नहीं, और वैसे भी ग्रीन साइड से एक इंपोस्टर था जिसको हम लोगों ने निकाल दिया, तो सिर्फ एक इंपोस्टर बचा है साइड से। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम सारे बंदे यहाँ पर स्किप करेंगे और शरीफ को उसका काम करने देंगे, इसलिए सारे बंदे अपना वोट यहाँ पर स्किप करते हैं और इसी के साथ ही मीटिंग हो जाती है स्किप। तो फिलहाल मीटिंग तो स्किप हो चुकी है, पर आप एक काम कीजिए, आप वीडियो कभी कभी पॉज करिए और कमेंट में जाकर के मुझे लिख करके बताइए कि मैं ये गेम स्पेस क्रू के साथ जीतूंगा या फिर इंपोस्टर के साथ, देखते हैं कितने बंदे सही बता पाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये क्या भाई, इंपोस्टर यहाँ पर बार बार रिएक्टर का सबोटाज क्यों दे रहा है यार, इंपोस्टर को रिएक्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार है क्या? तो हम सारे बंदे यहाँ पर रिएक्टर ठीक करने के लिए जाने लगते हैं, पर्पल सबसे आगे होता है लाइन में और यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि पर्पल शायद से ऊपर का, ओके पर्पल नीचे का ठीक करने, क्या मैं जाता हूँ ऊपर का ठीक करने के लिए, ऊपर मेरे साथ सिर्फ ऑरेंज आता और मैं रिएक्टर ठीक कर देता हूँ, ओके व्हाइट यहाँ पर आता है, इतने सारे बंदे झुंड में घूम रहे ना, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अभी ये क्या व्हाइट कैसे मर गया, व्हाइट तो शरीफ था ना, ओके तो डॉक्टर साहब यहाँ पर व्हाइट की बॉडी ले जाने लगते हैं, वैसे व्हाइट मुझे किल करा था क्या? अभी ये क्या येलो ने यहाँ पर पर्पल को किल करा और बॉडी भी रिपोर्ट हो गई, क्या बात कर रहे हो? और गेम अभी तक खत्म नहीं हुई, इसका मतलब इंपोस्टर तो अभी तक जिंदा है, भाई क्या हो रहा है ये? भाई मैंने पर्पल को मारा, मैं शरीफ हूँ, मैंने पर्पल को मारा, मैंने मैं शरीफ हूँ, पर्पल को मारा भाई, पर्पल को मारा, प्लीज वोट मत करना, प्लीज वोट मत करना, प्लीज। अगर आप लोगों को पता चल चुका है कि इंपोस्टर कौन है तो आप लोग अभी कभी कमेंट में लिख करके बताइए, देखते हैं भाई तुम में से कितने बंदे प्रो हैं। एक काम करो, एक काम करो, वैसे सुनो सुनो सुनो, ये शरीफ हो सकता है, ठीक है, ये शरीफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो बंदा उसने दूसरे बंदे को मारा था, ठीक है, जिस बंदे ने व्हाइट को मारा था वो कोई दूसरा बंदा था, ठीक है, और जिस बंदे ने, अभी देखो इंपोस्टर ने पहले किल करा, ठीक है, सिर्फ एक इंपोस्टर जिंदा है, ठीक है, तो फिर अगर इंपोस्टर ने किल कर दिया और उसके बाद येलो ने किल करा, अबे मैं बैकस्टैबर हूँ भाई, मैं बैकस्टैबर हूँ, मेरे को बोलने कोई फायदा है ही नहीं, मैं बैकस्टैबर हूँ मेरे भाई, मेरे को क्या बोल रहा, येलो सेफ है, येलो सेफ लग रहा है मुझे। ब्रो 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 ये देखो, ये देखो अभी बचा है ब्लू, ब्लू नहीं रहा तो येल्लो को निकालना, क्योंकि हम तीनों का रोल पता है। और भाई येल्लो तूने मीटिंग क्यों बुलाई, मैं व्हाइट को रिवाइव देने जा रहा था ना, येल्लो इम्पोस्टर लग रहा है मेरे को क्योंकि पर्पल सी था, अभी ब्लू को निकालो, ब्लू नहीं रहा तो येल्लो को। अरे नहीं नहीं बेफालतू का मत निकालो, बेफालतू ऐसे मत निकालो, अभी एक काम करो येल्लो ना तुम ऑरेंज को किल करो, ठीक है, येल्लो तुम ऑरेंज को किल करो, अभी स्किप करो, ठीक है। वैसे देखो यार यहाँ पर येलो ने बॉडी रिपोर्ट करके गलती तो करी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो व्हाइट की बॉडी लेकर के जा रहे थे, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जो येलो है वो इंपोस्टर बिल्कुल नहीं है, वो रियल का शरीफ है, क्योंकि जिसने व्हाइट को किल करा वो था हमारा इंपोस्टर, और व्हाइट को किल करने के बाद जो इंपोस्टर है उसका किल का कूलडाउन लग गया होगा, पर यहाँ पर येलो ने तो बाद में किल करा ना, तो यहाँ पर शायद जो येलो है वो हमारा शरीफ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सबको अभी स्किप करने के लिए बोलता हूँ, सच बोलूं तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, पर यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन तो गलत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं गेम के एंड में कि क्या मेरी कैलकुलेशन गलत थी या फिर सही थी। तो यहाँ पर फिलहाल अभी के लिए तो मीटिंग हो चुकी है स्केप, पर मैं यहाँ पर एक बात सोचता हूँ कि हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो व्हाइट था उसने किसी और को किल करा, पर यार व्हाइट तो मेरे बगल में खड़ा था ना, अगर वो किल करता तो मैं ही किल हो जाता मेरे भाई। तो फिलहाल यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है, इंपोस्टर फिर से रिएक्टर का सबोटेज दे देता है, भाई इस गेम में इंपोस्टर को रिएक्टर से कितना ही प्यार था यार। तो फिलहाल यहाँ पर मैं और येलो जाने लगते हैं रिएक्टर ठीक करने के लिए, तो यहाँ पर मैं ऊपर का ठीक करता हूँ और येलो नीचे से रिएक्टर ठीक कर देता है, इसका मतलब येलो हमारा सेफ ही है। तो अभी हम लोगों ने जैसा प्लान में डिसाइड किया था, अभी जो शरीफ है वो जो है किल करेगा, ओके यहाँ पर येलो जो है वो हमारा रियल का शरीफ था, और
और जो ऑरेंज है वो हमारा डॉक्टर था। देखा, मैंने पहले ही बोला था ना कि जो येलो है वो हमारा रियल का शरीफ है। फिलहाल यहाँ पर इंपोस्टर गेट बंद कर देता है, पर जैसे गेट खुलता है डॉक्टर साहब बॉडी रिवाइव करने के लिए चले जाते हैं। अभी देखो यार, यहाँ पर मैं चाहता तो डॉक्टर साहब को किल करके गेम आराम से इंपोस्टर के साथ जीत जाता, पर क्या है ना, मेरे स्पेस क्रू मेरे सब्सक्राइबर्स है तो मुझे स्पेस क्रू को जीताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ मीटिंग, और देखो मैं मीटिंग में क्या बोलता हूँ क्योंकि इंपोस्टर तो पकड़ा ही गया ना। देख लिया भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला था ना येलो सेफ है, मैंने क्या बोला, येलो सेफ है। अबे वोट ब्राउन भाई, क्या नूबो भाई, क्या नूबो, वोट ब्राउन का है का? अबे सियान पागल हो गया है, सियान पागल हो गया है, सियान की बात बिल्कुल मत सुनो, ठीक है। येलो मेरे भाई, देखो मैंने बोला था कि येलो सेफ है, ठीक है, और येलो शरीफ था जैसा कि मैंने बोला। अभी सारे के सारे ब्लू को वोट करो, गेम खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई साहब, क्या स्कैम हो गया यार। चलो ठीक है, अभी मैं स्पेस क्रू के साइड हूँ, ठीक है, सारे के सारे ब्लू को वोट करो, गेम खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। ये देखो, ये ब्लू ने कितनी कोशिश करी ये येल्लो को फिर से मारने की। मैंने बेचारे येल्लो को दो बार रिवाइव किया एक बार रिवाइव करने के बजाय। भाई ब्लू का तो लॉल हो गया, उसने मौका देखा पर गलत निकला। मैंने येल्लो को रिवाइव किया, फिर तुरंत ब्लू ने उसको मारा, फिर से मैंने उसको रिवाइव किया। तो देखो यहाँ पर बेचारे ब्लू के यहाँ पर लंबे लंबे एल लग चुके हैं और ब्लू के साथ यहाँ पर स्कैम हो चुका है। तो फिलहाल देखो यहाँ पर ब्लू जाने से पहले क्या बोलता है, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा सुनना भी तो जरूरी है ना। क्या बैकस्टैबर है यार, नोकरे तू क्या, जरा इंपोस्टर के साइड से खेल, क्या खेल रहा है, निकाल दो भाई मुझे, पता ही चल गया। तो देखो यहाँ पर ब्लू बोलता है कि मैं कैसा बैकस्टैबर हूँ, मुझे इंपोस्टर को जीताना चाहिए। पर देखो यहाँ पर मैं ब्लू से क्या बोलता हूँ, अभी क्या करूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि स्पेस क्रू का साइड दे दूँ, मैं सोच रहा हूँ स्पेस क्रू का साइड दूँ, इसलिए सारे के सारे ब्लू को वोट करो, ठीक है। और वैसे भी यार स्पेस क्रू मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ गलत तो नहीं करूंगा ना। तो यहाँ पर शायद से ब्लू समझ चुका है कि ब्लू के जीतने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर ब्लू को सारे बंदे वोट करने वाले हैं और ब्लू को मीटिंग से निकालने वाले हैं, क्योंकि ब्लू हमारा इंपोस्टर पकड़ा चुका है। तो यहाँ पर सारे बंदे वोट करते हैं ब्लू को और ब्लू को मीटिंग से निकाल देते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि गेम खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों को दोनों इंपोस्टर पकड़ा ही चुके थे ना, एक पहले निकल गया था और एक अभी को निकल गया। तो इसी के साथ हमारी बैकस्टैबर की गेम प्ले हो चुकी है सक्सेसफुल, और जैसा कि मैंने गेम के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं यहाँ पर स्पेस क्रू के साथ जीतने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमारी आज की गेम हो चुकी है खत्म, हमें मिल चुकी है जीत। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक, हम आपसे मिलेंगे सुपर सस के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त, और हाँ मैं कमेंट में चेक करूंगा कि कितने बंदे यहाँ पर सही बता पाते हैं कि ब्लू था हमारा इंपोस्टर, वो भी बिना चीटिंग करे। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, तो जाने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।